Why exception for him only when he has not given the name in time? I already refused many others. Minister, do you yield for him? Would you like to yield for him? One question. Okay, all right. All right. Sir, main that is ministers. बहुत बहुत आभारी हूँ सब सब लोगों ने कहा कि उत्तराखंड से आई मैं तो उस क्षेत्र से ऐसी आपदा से हूँ अगर समुद्र में बाढ़ आती तो उसका पता चल जाता है नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो वहाँ आपदा का पता चल जाता है लेकिन मेरे क्षेत्र में तो वो हर साल वो आपदा आ रही है जो आकाश से आ रही है जिसका कुछ पता नहीं कब कहाँ आ जाएगी क्लाउड बस उत्तराखंड हिमाचल के रहती हूँ और मैं पिथौरागढ़ में अभी था 1 जून को ही दिन में बारिश शाम को बारिश आती है पूरा पूरा गांव पूरा तबाह हो गया कोई पानी नहीं था कोई धारा हुआ नहीं था मैं आप सब से माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर हैं गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि मुख्य रूप से ये राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपदा की देखने की है केंद्र सरकार उसको सप्लीमेंट करती है मेरा मानना है मैं दो प्रश्न ही पूछना चाहता हूं उनसे क्या जो हिमालय और पर्वतीय राज्यों के लिए हर वर्ष जो क्लाउड बर्स के कारण जो आपदा आ रही है जिसका लोगों को पहले से संज्ञान नहीं होता है और उसके लिए आज के दौर में आज की दुनिया में हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार से 4 डॉपलर रडार लगाने का अनुरोध किए क्या इस तरह का सिस्टम इन हिमालयी राज्यों में जिससे कि इस तरह की आपदा के बारे में लोगों को शुरू में से ही पहले से ही आगाह कर दिया जाए उस ओर ध्यान देगी दूसरा सवाल है कि जो आपदा के नॉर्म्स हैं आपके जहां घर तबाह हो गया खेत तबाह हो गया गांव तबाह हो गए वहां पर जो हमारे आपदा के नॉर्म्स हैं इतने कम हैं कि उससे कुछ उसके होने वाला नहीं है तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या आपदा के हमारे मानकों में विशेषकर जो पर्वतीय राज्य हैं जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर उन आपदा के मानकों में क्या संशोधन होगा और अंत में कि हमारी सरकार ने केंद्र की भी सरकारों ने और राज्य की सरकार ने कुछ गांव को हमारे उत्तराखंड में 400 ऐसे गांव है जिनको संवेदनशील बताया गया है हमारे वैज्ञानिक हमारे जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इन गांवों को यहां से अलग हटाना होगा हर साल उनके क्या ऐसे गांवों को बसाने के लिए भारत सरकार क्या राज्यों को सहायता देगी कोई नीति बनाएगी ठीक है यही मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।